प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 15 मई 2022 के बाइबल पाठ एवं चिंतन। आज पास्का का पांचवा रविवार है। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि पौलुस और बरनाबस शिष्यों को ढाढ़स देते थे और हर एक कलिसिया में पुरोहितों को नियुक्त करते थे। यहाँ इस बात पर बल दिया जाता है कि वे व्यस्त रहते हुए भी प्रार्थना और उपवास करते थे, क्योंकि धर्म प्रचार के कार्य में विनम्रता के साथ ईश्वर की सहायता मांगनी चाहिए। प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 27 तक से लिया गया है। वचन कहता है, पौलुस और बरनाबस लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलिसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथ सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुंचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलिसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 5 तक से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि मसीह का पुनरुत्थान पाप और दुख मृत्यु का राज्य नष्ट कर देता है और हमें अनंत जीवन की आशा दिलाता है। यहाँ धर्म ग्रंथ के अनुसार ईश्वर हमारे बीच निवास करेगा और हमारी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वचन कहता है, योहन कहता है, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। और मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे विश्वास से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रज्ञा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि यीशु ने हमें एक नई आज्ञा दी है। हमें एक दूसरे को उस तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह उन्होंने हमें प्यार किया। हमारे भातृ प्रेम में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। हमें अपने शत्रुओं को भी प्यार करना चाहिए। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 31 से 35 तक। वचन कहता है, यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ,
एक तुम एक दूसरे को प्यार करो, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग यह जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, कहते हैं भगवान जब एक द्वार बंद करता है तो वह हमारे लिए सात अन्य द्वार खोल भी देता है। स्टेफन की शहादत के बाद हुए धार्मिक अत्याचार के कारण यरूशलेम की कलीसिया बिखर गई, पर इसका फल यह भी हुआ कि ईश्वर का वचन अब यरूशलेम से बाहर भी गूंजने लगा। सबसे पहले इसका विस्तार सामारिया में हुआ और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि सुसमाचार का प्रचार अंताकिया तक जा पहुंचा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाऊल, जो अत्याचार का मुख्य सूत्रधार था, अब खुद उस ईश्वर के वचन का प्रचारक बन गया जिसके दमन का उसने बीड़ा उठाया था। यरूशलेम मंदिर के प्रतिष्ठान को भी इसी नजरिए से देख सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में जो प्रकाशन ग्रंथ से लिया गया है, संत योहन कहते हैं, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। यह नवीन यरूशलेम ही जो ईश्वर की नगरी है, जहां ईश्वर निवास करता है। यहां वे लोग निवास करेंगे जिन्होंने ईश्वरीय मेमने यीशु को अपने पड़ोसियों में प्यार किया। इन सबों के साथ वे लोग भी निवास करेंगे जिन्होंने ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कठिन परिश्रम किया। जैसे आज के पहले पाठ में संत पौलुस और बरनाबस के विषय में लिखा हुआ है, इन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए बहुत दुख सहे और आंसू बहाए। इनके और उनके शिष्य में जिन्होंने धार्मिकता के लिए अत्याचार सहे, लिखा है ईश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जब कभी हम प्यार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन दिल में कुछ कुछ होता है। आखिर प्यार क्या है? ये नाश्ता शब्द के सदृश है। जी हाँ, जब हम रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता मांगेंगे तो हमें नाश्ता नहीं मिलेगा। नाश्ता क्या है? सवेरे रात भर के उपवास को तोड़ने के लिए जो कुछ हम खाते हैं उसे नाश्ता कहते हैं। नाश्ता कोई चीज ही नहीं है। रेस्टोरेंट में सवेरे खाने के लिए ढेर सारे पकवान हैं। इन पकवानों में से हमें सवेरे खाने के लिए क्या चाहिए? इडली, पूरी, समोसा, प्याजी, डोसा, चाउमीन आदि में से क्या चाहिए? यही सवाल वेटर हमसे करेंगे। नाश्ता में आपको क्या चाहिए? नाश्ता कोई चीज नहीं है, किंतु जो खाद्य पदार्थ सवेरे हम खाते हैं उसमें कुछ भी पकवान हो सकता है, उसे ही पकवान कहते हैं। प्यार भी नाश्ता शब्द की तरह एक शब्द, एक भाव, एक एहसास, एक उत्तरदायित्व, एक कर्तव्य है। अगर हम कहें कि हमने माँ का प्यार नहीं पाया है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने माँ के प्यार को देखा नहीं है, अपितु प्यार के नाम में या तो प्यार को प्रकट करने के लिए माँ ने जो कुछ मेरे लिए किया है उसने हमने पाया है, उसे हमने पाया है। उसी के द्वारा उसने अपने प्यार को मेरे लिए प्रकट किया है। उसने 9 महीनों तक अपनी कोख में मुझे पाला है, अपनी गोद में उठाकर हमको सहलाया जब हम रोते थे। जी हाँ, उन्होंने हमें नहलाया, खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, बीमारी के समय देखभाल की, मेरी और आपकी सेवा की, और ना जाने क्या क्या उन्होंने हमारे खातिर कष्ट भी सहा। हाँ, हमने हमको अपनी माँ से पाया है। क्या यही प्यार है? शायद यही प्यार है, और यही हम दूसरों से पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी फिक्र करे, चिंता करे। ना केवल हम दूसरों से चिंता फिक्र की अपेक्षा करते हैं, किंतु हम भी दूसरों की चिंता फिक्र करते हैं। उसी को यीशु आज के सुसमाचार में हमें भी करने को कह रहे हैं। यीशु यूं ही हमें प्यार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने पहले उदाहरण दिया, जिस प्रकार हमने तुम्हें प्यार किया।
सबसे नीचे क्लास अर्थात केजी में सबसे पहले बच्चों को अक्षरों को पहचानने के लिए सिखाया जाता है। जब वे अक्षरों को ठीक से पहचान लेते हैं तो ऊपर के केजी क्लास में अक्षरों को जोड़ना सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार यीशु हमसे कह रहे हैं, पहले पहचानो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। बीमारों को चंगा किया, अपदुतग्रस्त लोगों को ठीक किया, भूखों को रोटी दिया, प्यासों को पानी पिलाया, मुर्दों को जिलाया, पापियों को क्षमा किया आदि, अर्थात लोगों के जीवन में खुशी लाया, शांति लाया, अर्थात सेवा, दया, क्षमा, त्याग, सहानुभूति दिखाया। इसको ठीक से पहचानने के लिए यीशु हम लोगों को आज आमंत्रित कर रहे हैं। इसको ठीक से पहचानने के बाद ऐसा ही उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो कह रहे हैं। अतः प्यार भावना मात्र नहीं है, परंतु हमारे कार्यों के द्वारा वह प्रकट होता है, और इसमें त्याग, तपस्या, क्षमा, दया, सेवा, सहानुभूति आदि निहित है। प्रार्थना करें कि ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को इन गुणों से परिपूर्ण करे। आमीन।